यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हैं और उसी के कंसर्न में ये मीटिंग हो रही है, और जिसमें ऑल इंडिया रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और रेलवे के साथ उनको काम करने में क्या क्या चीज़ें ईज ऑफ वर्किंग के लिए डिस्कशंस होते हैं और कहाँ कहाँ किस किस जोन में क्या क्या इशूज हैं उनके बारे में डिस्कशंस होते हैं, यहाँ शेयर होती हैं सारी चीज़ें। फिर यहाँ हम लोग कंपाइल करके सारी चीज़ें ले जा करके जिससे बोर्ड के साथ डिस्कस करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को रिमूव कराने के लिए प्रयास करते हैं। लोग यहाँ आना शुरू हुए हैं और हमारी एटलीस्ट हमारी कोशिश है कि जितने लोग आएँ वो देखें यहाँ। जब लोग आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप डेवलप करना ही पड़ेगा, स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट को डेवलप करना ही पड़ेगा। तो हमारी पूरी कोशिश थी जितने भी यहाँ एटलीस्ट 300 कॉन्ट्रैक्टर्स आए हैं ऑल ओवर, मतलब कोई कर्नाटका से है, कोई तमिलनाडु से है, गुजरात से, MP से, सारी स्टेट ऑलमोस्ट मतलब हमारी जो प्रेजेंस है सारी स्टेट से लोग आए हैं यहाँ। ये लोग बहुत खुश हैं कश्मीर को देख के, यहाँ की ब्यूटी को देख के, और एटलीस्ट मुझे लग रहा है 70% लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हैं। तो जो उनके दिमाग में कोई परसेप्शन था किसी चीज़ का कि मतलब यार वहाँ हालात ख़राब हैं, उनके दिमाग से निकल गया नहीं यार यहाँ तो बहुत अच्छा है, वो 10 लोगों को और बताएंगे, वो भी आएंगे। तो हमारा एक और मोटिव था कि लोग यहाँ आए, यहाँ देखें कि मतलब कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ जैसे दिल्ली नॉर्मल है वैसे ही श्रीनगर नॉर्मल है। जिस मकसद से हम लोग ये इरफा फॉर्म किए हैं उस मकसद को बराबर पूरा करने का कोशिश कर प्रयास कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। इसके साथ सब कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया से, हम लोग भरपूर हिस्सा ले रहे हैं सब लोग इसमें, और इसमें सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं।